36 के आंकड़े में इन्होंने एक बार यहां के कलेक्टर को भी अपहरण कर लिया। हड़कंप मच गया, कलेक्टर बहुत बड़ी चीज होती है यार। दोस्तों मुझे अंदर से मैं रोमांचित हो जाता हूं, कल के देश में आप सब डीएम बनोगे और जहां भी आप रहोगे मैं आपके पास जाऊंगा, मुझे कितनी प्रसन्नता होगी, लगेगा मेरा स्टूडेंट, ओ ये डीएम है, इस जिले का पूरा शासन, पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र संभाला हुआ। सच कहता हूं मेरे देखो रोए खड़े हो गए मित्र, देखो अगर यकीन से देख रहे हो तो, इतना खुशी होती है। पर आप रोमांचित नहीं होते, इसलिए लगता है कि दो दो झापड़ मारे आप सबको, और मारेंगे भी, किसी दिन मिलोगे ना तो खींच खींच के दो लपाड़ा लगाएंगे आपको, पढ़ते नहीं हो इसलिए। तो ध्यान से, बेसिकली बेसिकली ध्यान से सुना रे जनता, दरबार लाल सलाम ना करो नहीं अभी पिटाई खाओगे। अभी सुनो ध्यान से, कलेक्टर बाबा को तो पकड़ ले गए, भारत में हड़कंप मचा हुआ था कि उसके साथ क्या किए होंगे, उसकी उंगलियां काट दिए होंगे, उसके नाखून निकाल लिए होंगे, उसके बाल नोच डाले होंगे, उसके शरीर को जला डाले होंगे, उसकी हत्या कर डाले होंगे, अंग अंग भंग कर डाले होंगे, तमाम प्रकार की बातें। आपको पता है भारत सरकार ने जो बातचीत की वो तो की अलग बात थी। जिस दिन ये डीएम बाबू को छोड़े थे, डीएम को फूल माला के पूरे स्वागत के साथ सम्मान उसे अपने अपने गिरोह से मुक्त करके अपने गिरोह से मुक्त करके अपहरण से मुक्त करके भेजे थे और बोले थे कि अगर प्रशासन तंत्र में ऐसे व्यक्ति होंगे तो हम सदा उनका सम्मान करेंगे, सदा उनका सम्मान करेंगे। इस स्थिति में डीएम बाबू को छोड़े थे, फिर वो डीएम कई वर्षों तक यहां डीएम रहा, आज ओडिशा प्रशासन में वो सेक्रेटरिएट में है, अब कई सालों तक वो यहां डीएम रहे और इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काम किया था, इस क्षेत्र के विकास के लिए किया था। तो दोस्तों आप वो हस्ती होते हो, सच कहता हूं मित्रों आप उतनी बड़ी हस्ती होते हो, पब्लिक और सरकार के बीच की वैसी कड़ी होते हो जो कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, मतलब निगेटिवली नहीं पॉजिटिवली कहते हैं, आपके हाथों में उतनी अधिकार होती, पावर नहीं कहूंगा, आपके हाथों में उतने अधिकार होते हैं, उतनी शक्तियां।